वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है जनरेटर। जनरेटर ये जो वर्ड है आपने बहुत बार सुना होगा, क्या चीज़ है इसको अपन आज पढ़ेंगे। बेसिकली जनरेटर अपने पास दो टाइप का है। फर्स्ट एसी जनरेटर, एसी जनरेटर एंड सेकेंड वन इज डीसी जनरेटर। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है कि एसी जनरेटर हम किसे कहेंगे और डीसी जनरेटर किसे कहेंगे, इसको समझने के लिए हमें इसकी वर्किंग पढ़नी पड़ेगी और इसका प्रिंसिपल क्या है वो अपन को देखना पड़ेगा। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एसी जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था अपने पास, उसमें कि किसी भी कॉइल को मैग्नेट के रिस्पेक्ट में मूव करवाई जाती है, या मैं ये कहूँ कि कॉइल और मैग्नेट जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो रिलेटिव मोशन होने से उनके बीच में जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो चेंजेबल होगा और चेंजेबल फ्लक्स क्रिएट होने पर एक करंट इंक्रीज होगी, एक करंट प्रोड्यूस होगी, उस करंट को बोलेंगे इंड्यूस करंट बोलेंगे। और हमने देखा होगा कि शादी ब्याह में लाइट की एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करने के लिए हम एक जनरेटर लेके आते हैं और उस जनरेटर से जितनी भी डेकोरेशन लाइटें होती है उसको अपन ऑन करते हैं या उसके अंदर कनेक्ट की जाती है। अब लाइट को ऑन करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और जनरेटर को क्या किया जाता है, आपने देखा होगा कि जो वर्कर होता है वो जनरेटर का जो हत्था होता है उसके अंदर कोई डोरी वोरी घुमाकर या जो पेडल होता है उसको हाथ से एक बार दो बार तीन बार रोटेट करवा कर उसको स्टार्ट करता है। तो जैसे ही उसका जो हैंडल है उस हैंडल को पकड़कर उसको दो या तीन बार रोटेट करवाना, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ये तो जनरेटर क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किस में, इलेक्ट्रिकल जनरेटर का क्या काम होगा, जनरेटर हमेशा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा, चाहे वो एसी हो चाहे वो डीसी हो। तो कहने का मतलब है कि इसका वर्किंग क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम केवल इतना ही है कि जनरेटर इज अ डिवाइस विच आर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बहुत सी क्लासों के अंदर या प्रीवियस क्लासों के अंदर हमने एक चीज सुनी होगी, मोटर। मोटर मोटर क्या काम करेगी, इसका वाइस वर्सा, मोटर क्या करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल के अंदर कन्वर्ट करने का जो कार्य है वो मोटर के द्वारा किया जाता है, लेकिन मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट करने का जो काम है वो कौन करेगा, जनरेटर करेगा। तो आज का अपना टॉपिक ही है व्हाट इज जनरेटर। तो आज अपन लेके चलते हैं एसी जनरेटर जो इसका पहला पार्ट है। एग्जाम में ज्यादातर एसी पूछा जाता है और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, दो करंट अपने पास होती है, एक होगी अल्टरनेटिंग करंट और एक होगी डायरेक्ट करंट। एक अपने पास एसी करंट और एक अपने पास है डीसी करंट। एसी करंट वो करंट जो टाइम के साथ वेरी करेगी या जो टाइम का फंक्शन होगी, जैसे यदि आप एसी का कर्व देखोगे या ग्राफ देखोगे तो एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने टाइम और यहाँ पर ले लिया हमने करंट आई। एसी जो करंट होगी वो फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव और अगले हाफ साइकिल में नेगेटिव, फिर वापस अगले हाफ साइकिल में पॉजिटिव और अगले हाफ साइकिल में नेगेटिव, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जाना इसको वन साइकिल बोलते हैं। तो एसी करंट के अंदर इसका जो फर्स्ट हाफ साइकिल होगा वो होगा पॉजिटिव और
नेक्स्ट हाफ साइकिल होगा वो होगा अपना नेगेटिव, और ये रिपीटेशन लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन डीसी क्या होगी? डीसी वो करंट है जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब टाइम चाहे कितना भी हो करंट की वैल्यू सब जगह क्या होगी? इक्वल होगी, मतलब करंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, वेरी नहीं करेगी। तो ये डिफरेंस है एसी के अंदर और डीसी के अंदर। एसी करंट वो करंट जो टाइम के साथ चेंज होती है, एसी करंट और वो करंट जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है डीसी करंट कहलाती है। इससे ज़्यादा अपने पास सिलेबस में नहीं है। तो कहने का मतलब अभी अपन पढ़ रहे हैं एसी जनरेटर, एसी जनरेटर में जो आउटपुट मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा? एसी मिलेगा, और डीसी जनरेटर के अंदर जो आउटपुट हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा? डीसी मिलेगा। तो हमें यहाँ पर जो आउटपुट है वो एसी चाहिए, तो हमें यहाँ पर जनरेटर जो काम में लेना है वो एसी जनरेटर काम में लेंगे, और आउटपुट हमें डीसी चाहिए तो उसके लिए जो जनरेटर हम काम में लेंगे उसको बोलेंगे डीसी जनरेटर। ठीक है, चलो एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, कोमा एसी जनरेटर कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज़ अ डिवाइस विच आर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एसी जनरेटर। द आउटपुट करंट विल बी एसी, द आउटपुट करंट विल बी एसी। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा उसको अपन यहाँ पर देखेंगे, और ये किन किन पार्ट से मिलकर बनी है उसको भी अपन यहाँ पर देखेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है अपने पास, सिंपली हमारे पास दो परमानेंट मैग्नेट, एक मैग्नेट ये और एक मैग्नेट ये इसका कहलाएगा एन पोल और ये कहलाएगा इसका एस पोल। दोनों जो मैग्नेट हैं वो दोनों मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट हैं। इन दोनों परमानेंट मैग्नेट के बीच में हम स्टेबल करेंगे एक कोइल को, एक रेक्टेंगुलर कोइल को, और वो रेक्टेंगुलर कोइल जो है वो अपनी कहलाएगी आर्मेचर। ये अपने कोइल है, इस कोइल को हम बोलेंगे आर्मेचर। ठीक है, उसके बाद ये जो दो वायर है किसके? आर्मेचर के। इन दोनों वायर को हम आगे कनेक्ट करेंगे स्लिप रिंग से। स्लिप रिंग से, और ये दोनों जो स्लिप रिंग है वो कनेक्ट होंगे आगे ब्रशेस से। ये ब्रश B1 और ये ब्रश B2, और ये आगे जाकर कनेक्ट होंगे लोड से। लोड का मतलब है वही अपना फैन हो सकता है, अपनी ट्यूबलाइट हो सकती है, अपना बल्ब हो सकता है, जिसको भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी है वो अपना लोड कहलाएगा, उस लोड को बोलेंगे यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि ये अपने पास है परमानेंट मैग्नेट, ये अपने पास आर्मेचर, ये अपने पास स्लिप रिंग, ये अपने पास स्लिप रिंग, इसका नाम दे दिया हमने S1 एंड डेट इज S2, और ये अपने पास ब्रशेस, ये अपने पास ब्रशेस, इसका नाम B1 और ये अपने पास B2। तो ये अपने पास, और ये अपने पास लोड जो कि इसके साथ कनेक्ट है। अब जो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी एसी जनरेटर हैं वो किन किन पार्ट से मिलकर बनेगी, वो पहला वो बनेगी परमानेंट मैग्नेट से, परमानेंट मैग्नेट। सेकेंड वन इज आर्मेचर, आर्मेचर, एंड नेक्स्ट इज स्लिप रिंग, फोर्थ
ब्रशेज, ये चार पार्ट है, इन चार पार्ट से मिलकर आपका एसी जनरेटर बनेगा। तो ये अपने पास है पार्ट ऑफ एसी जनरेटर। अब हम एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। यहां पर फर्स्ट है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब वो हुआ कि वो एक मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक फील्ड जब तक है तब तक रहेगा, मतलब इसका जो मैग्नेटिज्म है, इसके जो अट्रैक्ट करने की जो पावर है, इसका जो मैग्नेटिज्म है वो लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक रहेगा, स्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं कि अपना काम खत्म हो गया और ये मैग्नेट यहाँ पर खत्म हो गया, नहीं, ये परमानेंट मैग्नेट है, मतलब इसका जो मैग्नेटिज्म है वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा। सेकेंड बात है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉपर की जो कॉइल होती है उसको हम यहाँ पर बोलेंगे आर्मेचर। उसके बाद स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का काम होता है, स्लिप रिंग दो काम करेगी। स्लिप रिंग क्या करेगी, आर्मेचर के वायर को कनेक्ट करेगी किसी ब्रशेज के साथ। जैसे मान लीजिए ये अपने पास S1 स्लिप रिंग और ये अपने पास S2 है। S1 क्या करेगी कि ब्रशेज को इस वाली कोयल के साथ कनेक्ट करेगी और ये S2 क्या करेगी, इस वाले ब्रशेज को आर्मेचर के साथ कनेक्ट करेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्लिप रिंग है उसका काम केवल इतना ही होता है कि वो आर्मेचर और ब्रशेज को आपस में कनेक्ट करेगी। उसके बाद ब्रशेज, ब्रशेज का काम केवल इतना होगा कि ब्रशेज जो है वो स्लिप रिंग और लोड, या स्लिप रिंग या लोड, या लोड या आर्मेचर को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो ये इनका काम हो गया कि परमानेंट मैग्नेट क्यों यूज लिया अपन ने, आर्मेचर क्यों यूज लिया अपन ने, स्लिप रिंग क्यों यूज लिया अपन ने और ब्रशेज क्यों यूज लिया अपन ने यहाँ पर। अब ये जो आर्मेचर है वो अपने एक फिक्स, एक वर्चुअल एक्सिस के ऊपर रोटेट करेगी। तो इसका जो वर्चुअल एक्सिस है उसको अपने ड्रॉ किया ये ऐसा, और ये जो आर्मेचर है यहां पर लगा होता है एक हैंडल, हैंडल, उस हैंडल को पकड़ के इस आर्मेचर को पहले रोटेट करवाया जाता है। कहां पर, इन दोनों परमानेंट मैग्नेट के बीच में। जैसे आपने एक बार इसको रोटेट करवाया, रोटेट कराने पर क्या होगा, आपने आर्मेचर को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की, और जैसे ही आर्मेचर को आपने इन दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में रोटेट करवाया तो ये रोटेट करने से ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट होने लगेगी किसमें, इलेक्ट्रिकल के अंदर, और ये जो आपका आर्मेचर है वो इस एक्सिस के अलोंग रोटेट होने लगेगा। अब आप चाहो तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करो या आप चाहो तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। तो यहां पर मैं जो है इसको रोटेट करवाना चाहता हूं कुछ ऐसे, कुछ ऐसे का मतलब हुआ कि मैंने इसको जो रोटेट करवाया है वो कराया मैंने एंटी क्लॉकवाइज। यदि आप क्लॉक की डायरेक्शन बोलोगे तो उसको बोलते क्लॉक की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, और आपने यदि आपने इसको ऐसे रोटेट करवाया उसको बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जैसे ही आर्मेचर इन दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में, अब ये दो परमानेंट मैग्नेट अपने बीच में, तो ये परमानेंट मैग्नेट जो एन पोल है और ये एस पोल है, तो एन पोल से एस पोल की ओर, एन पोल से एस पोल की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट होगी, जो एन से कहां जाएगी, एस की ओर। जैसे ये कॉइल रोटेट होगी, रोटेट होने पर क्या होगी कि इस कॉइल से जो पार होने वाली, क्रॉस होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसके नंबर में क्या आएगा, चेंजेस आएगा। कभी फील्ड लाइनें ज्यादा होगी, कभी फील्ड लाइनें कम होगी। फील्ड लाइन में चेंजेस आने पर फ्लक्स के अंदर क्या आएगा, चेंजेस आएगा। और हमने कल ही पढ़ा है कि जब भी किसी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पर एक करंट प्रोड्यूस होगी, उस करंट को बोलेंगे इंड्यूस करंट। तो यहां पर भी एक इस रेक्टेंगुलर जो कॉइल है जो कि अपना आर्मेचर है, इस आर्मेचर के अंदर भी एक करंट क्रिएट होगी और उस करंट को बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। अब इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे आपने ये आर्मेचर यहां पर काम में लिया है उसका यदि अपन ने नोमेनक्लेचर किया तो आर्मेचर ए, ये बी, ये सी और ये आपका डी है। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी, सी से डी होगी या बी से ए और डी से सी होगी। तो इसको देखने के लिए हमारे पास एक रूल है कि जब भी कोई कॉइल किसी परमानेंट मैग्नेट के बीच में रोटेट होगी तो जब उसके अंदर इंड्यूस करंट इंक्रीज होगी या क्रिएट होगी तो उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक नियम है। और वो नियम जो दिया, वो दिया फ्लेमिंग ने, और उस नियम को बोलते हैं, उस रूल को हम बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, कि जब भी किसी भी कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट क्रिएट होगी। अब कैसे होगी वो अपने पढ़ चुके हैं, तो
तो जब भी किसी कोइल के अंदर इंड्यूस करंट क्रिएट होगी, उस इंड्यूस करंट को फाइंड, उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल है, उस रूल को बोलेंगे फ्लेमिंग राइट हैंडेड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग क्या कहता है कि अपने राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों को इस प्रकार फैलाएं, स्ट्रेच कीजिए कि तीनों जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो ईच। ये जो फोर फिंगर है वो थंब के साथ परपेंडिकुलर, ये फोर फिंगर मिडिल फिंगर के साथ, और मिडिल क्या है थंब के साथ क्या है परपेंडिकुलर है। तो ये जो थंब है ये कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन को बताएगा कि ये जो थंब है वो जिस डायरेक्शन में होगा, जिससे थंब इस डायरेक्शन में, तो आपका जो कंडक्टर है उसकी जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में होगा। उसके बाद ये जो फोर फिंगर है, ये फोर फिंगर हमें बताएगा किसको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में उसको फाइंड करने के लिए ये अपने पास है फोर फिंगर। उसके बाद मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर डायरेक्शन बताएगी किसकी, इंड्यूस करंट की, जो कि हमें आज फाइंड करनी है। तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है इसके अंदर तीन चीजें लेके चलेंगे अपन, एक ये थंब, सेकंड ये अपनी फोर फिंगर, ये अपनी फोर फिंगर, और ये अपने पास मिडल फिंगर। थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर तीन अपने पास है। जो थंब है वो डिनोट करेगा मोशन ऑफ कंडक्टर, और जो मिडिल फिंगर है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, और जो फोर फिंगर है अपना वो बताएगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को। एक बार वापस ध्यान देना, ये राइट हैंडेड अपने पास है थंब, थंब बताएगा हमेशा कंडक्टर के मोशन को, ये अपने पास है फोर फिंगर, फोर फिंगर ऑलवेज, चाहे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है चाहे राइट हैंड रूल है, वो अपन आगे बढ़ेंगे कभी किसी 12th क्लास के अंदर। तो ये जो फोर फिंगर है ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, और ये अपने पास है मिडल फिंगर, और मिडल फिंगर हमेशा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताएगा। दो चीज़ें आपको हमेशा पता होगी, और लास्ट जो थिंग्स है इसकी डायरेक्शन हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर इस रूल को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, यहाँ पर हमें दो चीज़ें गिवन है, पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यदि दो परमानेंट मैग्नेट हैं तो उन दो परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। तो ये अपने पास नॉर्थ पोल और ये अपने पास साउथ पोल। तो यहाँ पर बी की जो डायरेक्शन है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, राइट। उसके बाद मोशन ऑफ कंडक्टर, और आपका यहाँ पर जो कंडक्टर है वो ये आर्मेचर है, आर्मेचर ये रेक्टेंगुलर कोइल है। अब इसकी डायरेक्शन क्या, एक्चुअल में ये जो दो परमानेंट मैग्नेट है वो इस प्रकार है, ये एन पोल है और ये एस पोल है, और ये जो आर्मेचर है वो इस प्रकार रखी गई है। अब इस आर्मेचर को अपन क्या करें, इस प्रकार ये ऐसे रोटेट कर रही, मैंने ये एंटी क्लॉक वाइज, ये एंटी क्लॉक वाइज, ये एंटी क्लॉक वाइज, राइट है। जब ये एंटी क्लॉक वाइज इस प्रकार ये रोटेट होगी ये, तो इसका जो ए बी पार्ट है वो जाएगा डाउन, और जो इसका सी डी पार्ट है वो क्या होगा, अप होगा। और यदि आपने इसी आर्मेचर को, मैंने क्या कहा स्टार्ट में कहा था, आप डायरेक्शन चाहो तो आप क्लॉकवाइज लो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत सी जो बुक्स हैं वो इसको क्लॉकवाइज लेकर चलती है, बहुत सी जो गाइड है उसको वो एंटी क्लॉकवाइज या उसको क्लॉकवाइज लेकर चलती है। यदि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हो तो रूल उसी प्रकार लगेगा, और यदि आपने इसको इस प्रकार लिया, ये कौन सा, ये क्लॉक की डायरेक्शन है जो कि आपकी बुक आरबीसी बोर्ड में दी हुई है। अपन दोनों से करेंगे यहाँ पर, पहले अपन इससे करते हैं उसके बाद उसको उससे करेंगे। यदि आपकी जो आर्मेचर है, अब ये आर्मेचर है, पहले अपने एंटी क्लॉक देख लिया, अब देखेंगे अपन क्लॉकवाइज। अब जो आपका आर्मेचर है वो इस प्रकार ये रोटेट हो रहा है, ये
तो ये इसका ए बी पार्ट है आर्मेचर का, तो ए बी पार्ट कहाँ जा रहा है ऊपर, और जो सी डी पार्ट वो कहाँ जा रहा है डाउन में हो रहा है। तो लगाओ यहाँ पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर मिल गई कि ए बी जो कंडक्टर अपने पास है वो डायरेक्शन उसकी अप मोशन की, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ए बी पर वो है नॉर्थ से साउथ की ओर। ये अपने पास राइट हैंड, ये जो थंब है मोशन ऑफ कंडक्टर, ये जो आपका ए बी पार्ट है वो कहाँ जा रहा है अप जा रहा है, ए बी पार्ट वो बाकी सब भूल जाओ ये उप। उसके बाद ये अपने पास क्या है फोर फिंगर, ये अपने जो फोर फिंगर है ये फोर फिंगर बताएगी बी की डायरेक्शन, ये बी डायरेक्शन में आपका जो कंडक्टर है आर्मेचर का ए बी वो जा रहा अप, तो थंब अप, फोर फिंगर बी की डायरेक्शन बी एन से एस, और अब आप खोली क्या अपनी मिडिल फिंगर, और मिडिल फिंगर कहाँ है अंदर की ओर ऐसे। यदि आपका आर्मेचर इस प्रकार है तो करंट जो है ये आपका बी ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, तो करंट जो है ए से बी जा रही है, तो ए और बी में जो करंट की डायरेक्शन है वो लाइक डैट ए टू बी। नेक्स्ट, अब ये फ्लेमिंग राइट हैंड और जो सी डी पार्ट है ए बी पार्ट कहाँ गया अप, और जो सी डी पार्ट है वो जा रहा है डाउन, डाउन मतलब क्या नीचे की ओर, नीचे की ओर, तो थंब को लीजिए नीचे की ओर, और जो फोर फिंगर है अपनी फोर फिंगर है नॉर्थ से साउथ की ओर, ये साउथ की ओर, और अपनी मिडिल फिंगर को खोलिए, खोलने पर क्या आ रही है ये आउटसाइड आ रही है, आउटसाइड मतलब क्या सी से डी। तो इस आर्मेचर के अंदर जो करंट फ्लो होगी वो ए टू बी और सी से डी होगी, तो ये अपने पास डायरेक्शन होगी, ये करंट यहाँ से होती हुई। तो मेन जो इसका पार्ट है वो यही है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई किया जाए। अब इसकी वर्किंग पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। तो जैसे ही इस आर्मेचर कॉइल को परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखकर इसको रोटेट करवाया जाता है, तो रोटेट करवाने के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के कारण इसमें इंड्यूस करंट जनरेट होगी, और उसकी डायरेक्शन जो है वो ए से बी सी से डी होती हुई स्लिप रिंग एस वन में जाएगी, और एस वन से कौन कनेक्ट है बी वन, बी वन से कहाँ जाएगी लोड में जाएगी, और ये लोड से होती हुई वापस ईएस आएगी। तो यहाँ पर लोड में प्रॉपर करंट फ्लो हो रही है, और लोड से जो भी यहाँ पर कनेक्ट होगा फैन, वो फैन रोटेट होने लगेगा। यदि आपसे कहा जाए कि डायरेक्शन लिखिए यहाँ पर करंट की, तो आपको इस प्रकार लिखना है ए से बी बी से सी सी से डी डी से बी वन से लोड लोड से वापस बी टू और बी टू से वापस ए, ये आपके पास करंट की डायरेक्शन हो गई। अब स्लिप रिंग जो है अपने पास ये क्या करेगी, ये रोटेट होगी आर्मेचर के साथ साथ ही, लेकिन ये जो ब्रशेस है बी वन और बी टू ये अपनी पोजीशन पर क्या होंगे स्टेबल होंगे। तो ये अपने पास है वर्किंग एसी जनरेटर की और कंस्ट्रक्शन इसका। तो हमें केवल इतना ही जानना है कि इसका काम क्या है, इसका काम केवल इतना ही है ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। हम देखा होगा शादी ब्याह के अंदर बहुत लाइट का डेकोरेशन होता है, तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट के लिए हम वहाँ पर एक जनरेटर लेके आते हैं जिसके अंदर आप कोई ऑयल या केरोसिन जो भी है वो डालकर उसके हैंडल को घुमाकर उसमें मैकेनिकल वर्क करके आप एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करने लगते हो। तो वो कुछ ऐसा ही है, एक बार देख लीजिए इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसके पार्ट्स क्या है, और इसकी वर्किंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना है। दो तीन बार आप अप्लाई करोगे अपने खुद से तो आप खुद इसको समझ जाओगे। लास्ट पार्ट इसका डीसी जनरेटर, अब इसमें जो आउटपुट करंट हमें मिलेगी वो एसी ही मिलेगी। अब डीसी के अंदर क्या होगा, केवल ये अपना आज का लास्ट टॉपिक डीसी एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, इसमें मोस्ट मेजर डिफरेंस यही है कि एसी के अंदर हमने स्लिप रिंग काम में ली थी, और यहाँ पर हम लेंगे स्प्लिट स्लिप रिंग, स्प्लिट मतलब स्लिप रिंग के दो पार्ट करके, और उसको हम क्या बोलेंगे कम्यूटेटर बोलेंगे।
कम्यूटेटर। तो हम यहाँ पर क्या काम लेंगे, कम्यूटेटर। वहाँ पर क्या लिया, स्लिप रिंग। बाकी सेम की सेम है, बस वहाँ पर आउटपुट अपना एसी था और यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो अपना क्या होगा, डीसी करंट होगा। ये वही फ्लेमिंग का रूल लगाकर यहाँ पर सब कुछ अपने करना है। तो एक बार देख लेते हैं, लगभग वही ये दो परमानेंट मैग्नेट एन पोल, ये एस पोल। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एन से एस की ओर मूव हो रही है, तो उसको अपन यहाँ पर शो कर दिया। ये अपने पास आर्मेचर, ये इसका अक्ष, और ये रोटेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर अपन काम में लेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर आ गया अपने पास, दो परमानेंट मैग्नेट एन पोल और एस पोल, इसके बीच में एक आर्मेचर, आर्मेचर का एक पार्ट कनेक्ट है कम्यूटेटर C1 से और एक पार्ट कनेक्ट है कम्यूटेटर C2 से। एक्चुअल में अपने पास जो स्लिप रिंग थी ये, इस स्लिप रिंग के दो पार्ट की अपने, और पार्ट करने पर हमें कुछ ऐसा मिला यहाँ पर, ये ये जो पार्ट है उसको C1 बोल दिया, इसको बोल दिया C2। तो ये कम्यूटेटर हाफ और ये हाफ, और इसको कनेक्ट किया किससे अपने, ब्रशेस से B1, और ये ब्रशेस अपने पास B2। ठीक है, अब जैसे ये रोटेट होगा इसके अंदर इंड्यूस करंट बनेगी, और ये अपने पास आर्मेचर A, B, C और D, करंट की जो डायरेक्शन होगी वही फ्लेमिंग के रूल से ये बी से ए और डी से सी हो रही है यहाँ पर। तो जब करंट की डायरेक्शन पहले हाफ साइकिल के अंदर बी सी ई होगी, तो ये जो C1 है वो बन जाएगा प्लस का, और जो C2 है बन जाएगा माइनस का। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी सी ये आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर हम कम्यूटेटर काम में लेंगे, बाकी सेम का सेम। फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर क्या हो जाएगा, C1 और ये C2, उसमें जो स्लिप रिंग थी वो स्टेबल थी, और ब्रशेस थे वो भी स्टेबल थे, और ये जो कोयल है वो घूमती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो C1 है वो B1 के साथ कनेक्ट है, लेकिन जब रोटेट होंगे तो ये जो C1 है वो कनेक्ट हो जाएगा B2 के साथ, और जो C2 है वो कनेक्ट होगा किसके साथ, आ जाएगा B1 के साथ। लेकिन चाहे C1 B1 के साथ कनेक्ट हो, चाहे C2 B1 के साथ कनेक्ट हो, चाहे C1 B1 के साथ हो, चाहे C2 B1 के साथ हो, लेकिन जो आउटपुट करंट है उसकी डायरेक्शन जो होगी वो विल बी सेम रहेगी। मतलब जो आउटपुट करंट मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी, एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर मिलेगी, और इसी को ही बोलते हैं डीसी जनरेटर। बाकी सेम का सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। तो ये आज आपका टॉपिक है, एक बार इसको रिवाइज करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसको आप एक बार रीड करना और देखना इसमें क्या है। धन्यवाद।